अरे आप जे 11th के बच्चों को बोलो ज्वाइन करें नए पासवर्ड के साथ। नहीं आवाज आ रही देव राजा। हाँ ओके चलो, तो हमने एक लास्ट क्लास में जो कर लिया था काम, एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। राइट, लास्ट क्लास में हमने वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया था। राइट, आवाज आ रही देव राजा। जस्ट अ सेकंड, चलो देखते हैं। काफी सारे डायमेंशनल फॉर्मूले हमने लिख लिए थे लास्ट क्लास में। हाँ, ये सारे लिख लिए थे। अगर आपको याद हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा था, याद है कि नहीं? याद है? कैसे किया था, कैसे किया था ये? वेरी गुड, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। वेरी गुड, मतलब इस फॉर्मूले की मदद से किया था। राइट, फिर सरफेस टेंशन का कैसे किया था, ये न्यूटन देख के समझो। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है ये? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एल। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एल जीरो हो जाता है इसमें। ठीक है, उसके बाद मैंने तुम लोग को स्ट्रेस बताया था। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया ही एक तरह से स्ट्रेस होता है। राइट, लेकिन यहाँ पे जो एरिया लेते हैं वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं, इसलिए ये पूरा का पूरा प्रेशर नहीं है। ठीक है, फिर स्ट्रेन, स्ट्रेन के बारे में बताऊंगा आपको, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी के बारे में भी बताऊंगा, टाइम पीरियड ऑफ फ्रिक्वेंसी बता चुका हूँ। तो चलो अब अपन बात करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या अजीब सी चीज है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बात करेंगे। देखना बच्चे, लिखो नेक्स्ट टॉपिक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते और ये होता क्या है? पहले तो हम समझते हैं कि ये होता क्या है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम तब बात करते हैं जब हम किसी मटेरियल पे फोर्स लगाते हैं और उसका शेप बदल देते हैं। जैसे अगर हम किसी वायर पे फोर्स लगाएं, तो फोर्स लगाने से क्या होगा, क्या चेंज आएगा इस पे फोर्स लगाने से, बोलो। करेक्ट, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। राइट, तो ये जो लेंथ बढ़ गई ना, इस पे जो इफेक्ट आया उसको अपन स्ट्रेन से वैल्यू करते हैं। जो देखो, जैसे मैंने फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ बढ़ गई, मान लो इसकी लेंथ इतनी बढ़ गई, ये देखो इसकी लेंथ इतनी बढ़ गई, मान लो दिस इज चेंज इन लेंथ। क्यों बढ़ गई लेंथ? क्योंकि हमने उस पर फोर्स लगाया, क्यों हमने उस पर फोर्स लगाया, इसलिए उसकी लेंथ बढ़ गई। ये रहा फोर्स, राइट, और ये एरिया है, एरिया होगा। तो बच्चों लेंथ कितनी बढ़ेगी, या लेंथ किस प्रपोर्शन में बढ़ेगी, क्या बता सकते हो? फोर्स के प्रपोर्शन में। हाँ, फोर्स के प्रपोर्शन में, सिंपल। आप जितना फोर्स लगाओगे उतनी लेंथ बढ़ेगी। अब इन सारी चीजों को एक दूसरे से कोरिलेट करने के लिए जो हम सीखते हैं,
अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार स्टील का वायर ले आओ, फिर एक बार एल्यूमिनियम का वायर ले आओ, ठीक है, फिर एक बार गोल्ड का वायर ले आओ, फिर एक बार सिल्वर का वायर ले आओ, तो क्या सारे वायर्स को ये फोर्स लगाने पे एक जैसा एलोंगेशन आएगा या अलग अलग एलोंगेशन आएगा? बोलो, एलोंगेशन सेम आएगा या अलग अलग आएगा? हेलो, बोलो बच्चों। अगर मैं अलग अलग मटेरियल का वायर ले आऊंगा, अलग अलग एलोंगेशन आएगा। इसे बताने के लिए कि किस तरह से एलोंगेशन आएगा, हम डिफाइन करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या यूज है, ये हमें बताता है कि अलग अलग मटेरियल का एलोंगेशन या फोर्स लगाने पे डिफॉर्मेशन किस तरह से आएगा। बोलो सर, इसका क्या यूज है, पूछो मुझसे, इसका कोई यूज याद हो तुम लोग बताओ या मुझसे पूछो। बच्चे तुम लोग की आवाज नहीं आ रही मेरे पास तक, अनम्यूट करके बात करो, बताओ श्रुति, इसका कोई यूज? दरअसल तेरी आवाज भी नहीं आ रही है, नेटवर्क सही नहीं है लगता तेरा। अर्पित बताओ। नहीं पता सर। नहीं पता अर्पित कोई? हाँ, ब्रिजेस बनाने में, और तो और हर जगह यूज होता है भैया, मशीनरी में जो गियर्स लगते हैं, गियर्स पे प्रेशर आएगा तो वो भी तो खराब हो जाएंगे। तो ये देखने के लिए कि कोई भी मशीन कितने साल तक अच्छा काम करेगी, और ब्रिजेस बनाते समय भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि गर्मियों में वायर की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी, कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए, कितना लोड डालने पे ब्रिज का लेंथ कितना बदल जाएगा, राइट? तो इन सब के लिए हम यूज करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब ये क्या होता है, हमेशा याद रखो, स्ट्रेस क्या होता है बताओ बच्चों? स्ट्रेस में बता चुका था, फोर्स अपॉन एरिया, ये होता है स्ट्रेस। अब देखो स्ट्रेन क्या होता है? नहीं, वो तो सरफेस टेंशन होता है, फोर्स अपॉन लेंथ सरफेस टेंशन होता है, यहाँ पे हम फोर्स अपॉन एरिया की बात कर रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया होता है स्ट्रेस, ठीक है। अब स्ट्रेन क्या होता है बताओ, स्ट्रेस लगाने से क्या हुआ, स्ट्रेस लगाने से क्या हुआ, लेंथ में क्या आ गया, लेंथ में चेंज आया ना स्ट्रेस लगाने से, तो कितना स्ट्रेस आया या कितना चेंज आया इसको हम स्ट्रेन से समझते हैं। अब देखना बच्चों, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। देखो तुमने लगाया स्ट्रेस, स्ट्रेस के कारण क्या आया, बोलो बच्चों स्ट्रेस के कारण क्या आया, स्ट्रेन। इन दोनों में जो रिलेशनशिप है ना, या इन दोनों में जो कनेक्शन है, वो कौन डेवलप करेगा, किसकी मदद से इन दोनों के बीच में कनेक्शन आएगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की मदद से इन दोनों में हम कनेक्शन ला सकते हैं। देखो कैसे, हुक नाम के साइंटिस्ट ने बताया, किसने बताया बोलो, किस साइंटिस्ट ने बताया, हुक। हुक्स लॉ के अनुसार, हुक्स लॉ के अनुसार जो स्ट्रेन होता है वो उतना ही आएगा जितना तुम स्ट्रेस लगाओगे, जिस प्रपोर्शन में स्ट्रेस लगाओगे अप टू इलास्टिक लिमिट, मतलब इतना फोर्स भी मत लगा देना कि वो टूट ही जाए, समझ गए? और जब यहाँ, और सीधी सी बात है यार, जितना स्ट्रेस लगाओगे तुम उतना ज्यादा वायर खींचेगा और उतना ज्यादा उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, बोलो हाँ, समझ आया कि नहीं? फिर जब हम यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और उसे हम कहते हैं क्या, उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं हम, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नाम का कांस्टेंट आएगा इनटू स्ट्रेन बराबर स्ट्रेस। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या हुआ फाइनल? हाँ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्या होता है, एक तरह का कांस्टेंट होता है जो हमें बताता है कि वायर किस तरह से बिहेव करने वाला है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो देखो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तुम लोग को बता नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आप लोग को ये याद रहे, ये याद आ जाए कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है,
पहले तो ये बताओ कि स्ट्रेस का क्या होगा, स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स का क्या होगा भाई, फोर्स का क्या होगा, एमएलटी माइनस टू, एमएलटी माइनस टू, और एरिया का एल स्क्वायर, राइट। अच्छा पहले तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ भैया अर्पित, टॉप करने के लिए मैथ्स में, वेरी गुड अर्पित, सुन रहे हो, थैंक यू सर। हाँ टॉप करने के लिए होपफुली तुम ऐसे ही हार्डवर्क करते रहोगे आगे, और श्रुति जैसे बच्चे को पीछे करना अर्पित अपने आप में बहुत बड़ी बात है। श्रुति समझ लो डीएमए की बेस्ट स्टूडेंट है और फ्यूचर का रिजल्ट है, मैं गारंटी लेता हूँ, है ना। श्रुति जैसी हार्ड वर्किंग और सिंसियर है, लेकिन इंटेलिजेंट भी है वो, उसको मैथ्स में पीछे कर देना बड़ी बात, ठीक है, वेरी गुड अर्पित, बहुत बढ़िया जवाब मिलेगा तुम्हें श्रुति से अगले टेस्ट में, क्यों श्रुति, आई एम राइट? यस सर। हाँ तो ये स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला देखा हमने, चलो स्ट्रेन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने में मेरी मदद करो। स्ट्रेन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देखो यहाँ बताया था ना बच्चों स्ट्रेन क्या होता है, बोलो एक बार मेरे साथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या होता है स्ट्रेन? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्यों आता है स्ट्रेन? क्योंकि हम स्ट्रेस लगाते हैं, ठीक है। स्ट्रेन का फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? दराज ऊपर भी लेंथ आएगा और नीचे भी, चेंज इन लेंथ एक तरह की लेंथ है, 2 सेंटीमीटर बढ़ गई, 3 सेंटीमीटर बढ़ गई, रहेगी तो लेंथ ही ना, और नीचे भी लेंथ आ गया, तो भैया ये तो क्या आ गया, क्या बोलते हैं इसको अपन, बोल दो जल्दी क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस, करेक्ट, दिस इज डायमेंशनलेस। तो स्ट्रेन डायमेंशनलेस है और स्ट्रेस का डायमेंशन हमने लिख लिया है। अब मैं चाहता हूं आप लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो मुझे, बताओ क्या आएगा, स्ट्रेस के बराबर, करेक्ट, क्योंकि स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो स्ट्रेस के बराबर आएगा। लिख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा देखना बच्चों, एम एल माइनस वन टी माइनस टू ये आएगा, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या सीखा हमने, प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही स्ट्रेस का होता है, और जो स्ट्रेस का होता है वही किसका होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मैं तुम लोगों का काम आसान करने वाला हूं, देखो कैसे, तुम लोगों का एक बड़ा सिरदर्द खत्म करने वाला हूं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के तीन नाम है, पहला नाम है यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के तीन नाम है, पहला नाम हो गया यंग्स मॉडुलस, दूसरा नाम हो गया बल्क मॉडुलस, किसी को पता है चौथा नाम, तीसरा नाम किसी को पता है, एक और नाम वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बोलो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तीन है। तो भैया आप तुम लोग को ना मैं दोबारा नहीं बताऊंगा यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला, यंग्स मॉडुलस को वाई से रिप्रेजेंट करते बच्चों, बल्क मॉडुलस को बी से रिप्रेजेंट करते, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब आप मुझसे मत पूछना कि ये वाई बी और ईटा क्या है, क्या है ये तीनों बोलो, वाई बी और ईटा क्या है तीनों, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, हाँ, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है जो स्ट्रेस का होता है, और स्ट्रेस और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। मतलब अब हमें एक लिस्ट बना लेना चाहिए ऐसी, यंग्स मॉडुलस बराबर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बल्क मॉडुलस बराबर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ, नहीं सुना था तुम लोग ने, क्या था अजीब सा नाम, रिजिडिटी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ व्हाट, प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस, नहीं स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है, इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, याद रखना बेटा क्वेश्चन आएंगे इसमें, बराबर बोलो जल्दी एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है बच्चों, कॉन्फिडेंस फील हुआ,
अब मुझे बताओ क्या तुम लोगों के मन में ऐसा कुछ चल रहा है कि ये यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है? क्या तुम लोग को ये समझना है? यस सर। ठीक है, वैसे तो ये आगे आएगा लेकिन मैं समझा देता हूँ कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम डिटेल में एक बार समझ लेते हैं, हालांकि ये आगे आएगा, 11th में है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बच्चों इसमें पहला केस सोचो वायर का, वायर आपके पास एक वायर है और आपने उस वायर पे फोर्स लगाया, तो वायर पे फोर्स लगाओगे तो क्या होएगा बताओ? उसका वॉल्यूम चेंज होगा या उसका शेप चेंज होगा या उसकी लेंथ चेंज होगी? लेंथ चेंज होगी। ठीक है, तो वायर के केस में हम ऐसे लिखते हैं, वायर के लिए हम लिखते हैं यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए परपेंडिकुलर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या आएगा डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो इसको आपने खींचा है वायर को क्या करा है, खींचा है, इसलिए इस स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, क्योंकि आपने वायर को खींचा इसलिए इस स्ट्रेस को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस। और इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। लेकिन कौन सा स्ट्रेन? टेंसाइल स्ट्रेन। और जब हम वायर की बात करते हैं तब कौन आता है यहाँ? व्हाट इज दिस वायर, व्हाट इज नेम ऑफ दिस वायर, कम ऑन टेल मी। यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस। तो किसी भी वायर को खींचने पे उसकी लेंथ कितनी बड़ी हो जाएगी ये यंग्स मॉडुलस से पता चलता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप कपड़े जब सूखने डालते हो तो वायर जो है वो उसकी लेंथ बड़ी हो जाती है और वो उसका शेप चेंज हो जाता है। सही एग्जांपल दिया। चलो अब आगे बात करते हैं वायर के अलावा। मान लेते हैं आपके पास बॉल आ गई, यह ब्लू है पानी, आपके पास है 3D ऑब्जेक्ट लाइक बॉल, 3D ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉल है और आपको तो पता ही है ब्लू है पानी। चलो मैं और अच्छा एग्जांपल देता हूँ बॉल की जगह, एयर बबल, मजा आ जाएगा तुम लोग को समझने में। हमने ले लिया एयर बबल, ठीक है, ये काफी सारा ब्लू पानी बना दिया, आप लोग को दिख ही रहा होगा। बच्चों तुम लोग अपने कॉमन सेंस से बताओ प्रेशर ज्यादा कहाँ है, ऊपर ज्यादा प्रेशर है या नीचे? नीचे। नीचे ज्यादा प्रेशर है। मान लो मैंने एक एयर बबल लिया, दिस इज एयर बबल जिसके अंदर एयर भरी है, बस एयर ही लिख देता हूं, और मान लेते इसका वॉल्यूम वी है। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा प्रियंक, तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा बता प्रियंक? छोटा। छोटा हो जाएगा क्योंकि ना वाटर के कारण लगने वाला प्रेशर बढ़ जाएगा, देखो वाटर चारों तरफ से प्रेशर बढ़ाएगा। तो जैसे पिछले एग्जांपल में क्या चेंज हुआ था, लेंथ। बोलो लेंथ। इस एग्जांपल में क्या चेंज हुआ? वॉल्यूम। तो पिछली बार हमने y बराबर लिखा था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इस बार हम बल्क मॉडुलस बराबर लिखेंगे, बल्क मॉडुलस बराबर फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आ गया बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस कब आता है? जब वॉल्यूम बदलता, ठीक है, हालांकि दिखता वैसा ही है। अब एक और एग्जांपल हो सकता है बच्चों, जैसे तुम लोग ने देखा होगा कई पुरानी किताबें, उनमें ज्यादा वजन रख दो तो उनका शेप बिगड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत मोटी सी किताब है बच्चों, मान लो, या एक क्यूब है जैसा तुम्हें सही लगे, ये क्यूब है, ठीक है, हमने इस पे प्रेशर लगाया इधर, फोर्स लगाया इधर, लेकिन देखना कैसे, हाँ नीचे से कर दिया फिक्स्ड, और इधर पे फोर्स लगाया ऐसा एफ पैरेलल, इस एरिया के पैरेलल फोर्स लगाया, ठीक है, और नीचे से फिक्स कर दिया, तो बताओ उसका शेप कैसा हो जाएगा? शेप ऐसे ही रहेगा या थोड़ा सा बदल जाएगा? बोलो
उसका शेप थोड़ा सा बदल जाएगा और ऐसा हो जाएगा। तुम लोगों को क्या लगता है भाई? नीचे से तो फिक्स है ना, तुमने फोर्स लगाया तो इस बार क्या बदल गया? बोलो, शेप बदल गया। ये इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो आता है कांस्टेंट, यहां पे आप यूज करते हो ईटा। ईटा इज इक्वल टू एफ पैरेलल अपॉन ए पैरेलल डिवाइडेड बाय थीटा। अभी थीटा क्या होता है, देखो ये क्या होता है, मैं बताता हूँ थीटा क्या होता है, ध्यान से देखना। ये हो गया आर्क, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होती ना, और ये हो गई रेडियस एल, और आर्क को मान लो एक्स। थीटा को आप लिख सकते हैं एक्स अपॉन एल, ठीक है। तो अगले स्टेप में आप लिख दो ईटा इज इक्वल टू एफ पैरेलल अपॉन ए पैरेलल डिवाइडेड बाय एक्स बाय एल। तो बताओ ये तीन मॉडुलस की जरूरत क्यों पड़ी? ईटा को क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जब शेप की बात करना होगा तो क्या यूज करोगे? जब शेप की बात करना होगा तो क्या यूज करोगे? ईटा। जब वॉल्यूम की बात करना होगा तो तब क्या यूज करोगे? बी मतलब बल्क मॉडल्स। और जब लेंथ की बात करना होगी तब किसकी बात करोगे? यंग्स मॉडुलस, ठीक है। और अच्छा, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ये सिखाना चाह रहा था मैं सिर्फ। अब याद रहेगा, बोलो हाँ याद रहेगा? यस सर। यस, ठीक है। भाई इतना नहीं पढ़ना है रे अपन को, बस डायमेंशनल फॉर्मूला सीखना है, ठीक है, सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आज हमने काफी कुछ सीखा, सरफेस टेंशन लास्ट क्लास में सीख ही लिया था, होपफुली तुम लोग याद भी करते चल रहे हो साथ में। टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला भी मैंने बता दिया आप लोगों को, एंगल का भी पता ही है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पता है। आज हम काम करने वाले हैं हीट पर, ठीक है। आज का हमारा मेन है हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड चीजों का हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले। तो आगे आने वाला जो कुछ भी है ना, जो भी कठिन होने वाला है अभी, अब आपको ना आगे कुछ भी आसान नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा और मेरी बातें बहुत ध्यान से सुननी पड़ेंगी। चलो हीट की शुरुआत करेंगे। हीट एंड टेम्परेचर इस टॉपिक में हम सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं स्पेसिफिक हीट का। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं स्पेसिफिक हीट से। अब ये स्पेसिफिक हीट क्या है? स्पेसिफिक हीट है क्या? इट्स अ कॉन्स्टेंट। किस तरह का कॉन्स्टेंट है चलो देखते हैं। मान लेते हैं कि श्रुति मैगी बना रही है अपने और अपने भाई के लिए। ये इसने पानी ले लिया, श्रुति ने पानी गर्म कर रही है, ठीक है। ये है गैस, श्रुति बना देगी ना, ये तो नहीं बोलेगी हम क्यों बनाए, खुद के लिए बना लेंगे, पारस के लिए नहीं बनाएंगे। हाँ तो खुद के लिए बना रही है, मान लो मैगी बना रही है, ठीक है, और अभी उसका लंच टाइम है, मान लो भूख लगी, उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो थोड़ी सी ज्यादा ही मैगी बना रही है। ये है मैगी। तुम लोग अभी एक बात बताओ, इसकी मदद से ऊपर क्या ट्रांसफर किया जा रहा है, क्या ट्रांसफर हो रहा है कंटेनर में, क्या ट्रांसफर हो रहा है कंटेनर में? हीट। तो हीट जा रही कंटेनर में, तो उससे कंटेनर का क्या बदल रहा है? टेम्परेचर बदल रहा है। तो तुम मुझे बताओ, अगर कम मैगी बनानी है तो कितनी हीट चाहिए, कम हीट चाहिए कि ज्यादा? बराबर ही हीट चाहिए पड़ेगी। ना 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 ना, तुम अगर चार पैकेट मैगी बनाओगी, 10-10 रुपए वाले चार पैकेट मैगी लाओगी, चार पैकेट मैगी बनाओगी तो समय ज्यादा लगेगा, मेरी गारंटी है। और अगर एक मैगी बनाओगी तो कम समय लगेगा। अच्छा तुम खुद सोचो ना, एक कप पानी गर्म करने में ज्यादा हीट लगेगी या एक बाल्टी पानी करने में ज्यादा हीट लगेगी? बोलो, पूरा 100 डिग्री तक गर्म करना है पानी, उबालना है, बोलो देवराज। एक बाल्टी, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हीट की जो जरूरत है वो प्रोपोर्शनल है मास के? अगर ज्यादा मास गर्म करना है तो ज्यादा हीट चाहिए होगी, और कम मास गर्म करना है तो कम हीट चाहिए होगी। बोलो श्रुति, डू यू एग्री विद दिस? यस सर। अब मान लेते हैं कि तुम्हें मैगी नहीं बनाना, तुम दूध गर्म कर रहे थे मान लो, ठीक है, या दूध बॉईल करना है, या दूध को थोड़ा गर्म करना है। मान लो एक केस में दूध को बहुत बॉईल करना है एकदम,
और दूसरे केस में सिर्फ पीने लायक गर्म करना है, तो बताओ हीट ज्यादा कब चाहिए, जब टेम्परेचर कम बढ़ाना है या ज्यादा बढ़ाना है? ज्यादा हीट कब चाहिए? जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना है, इसका मतलब जो हीट रिक्वायर्ड है वो और किसके प्रोपोर्शनल है? चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन टेम्परेचर। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना है उतनी ज्यादा हीट चाहिए पड़ेगी, मानते हो? देखो अब मैं क्या लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, हीट इज प्रोपोर्शनल टू, हीट इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। बोलो सही लिखा कि नहीं, बोलो तुम लोग को क्या लगता है, बोलो जल्दी सही लिखा है कि नहीं? यस यस सर। भैया मास ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर बदलना है तो ज्यादा हीट चाहिए। अब जब मैं अब हीट को मैं क्यू से दिखा रहा हूँ, ठीक है, हीट को मैं क्यू से दिखा रहा हूँ, मास को एम से दिखा रहा हूँ, चेंज इन टेम्परेचर को डेल्टा टी से दिखा रहा हूँ। अब बताओ जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो क्या आएगा? प्रोपोर्शनलिटी साइन, हाँ, और वो कॉन्स्टेंट कौन है यहाँ पे? स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। तो मैं ये नहीं कर रहा कि तुम लोग ये फॉर्मूला याद करो, मैं बस ये कह रहा हूँ तुम लोग समझो अच्छे से, बहुत डिटेल में जाके समझो, इसके बारे में हमें बहुत रिसर्च करनी है, अभी नहीं लेकिन बाद में, ठीक है? फिलहाल तुम लोग बस समझो, समझ आया क्या कि ये फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आया? पूजा मैम वो गेट लगा दीजिए, कछुआ बाहर जा रहा है, ठीक है? होपफुली तुम लोगों को समझ आया कि स्पेसिफिक हीट कैसे आया। बच्चों बोलो ये फॉर्मूला याद हो गया, Q बराबर, बोलो एक बार, Q बराबर ms डेल्टा t, ठीक है? तो s स्पेसिफिक हीट है, एक कांस्टेंट है जिसके बारे में मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा। Q से तुम क्या दिखा रहे हो? हीट। m क्या है प्रियांक? मास। डेल्टा t क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा t क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। और s स्पेसिफिक हीट। अब मैं आपसे बोलूं कि स्पेसिफिक हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, राइट? मान लो स्कूल में आया, राइट? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैसे करोगे? लिखो क्यू बराबर एम एस डेल्टा डी, स्टेप वन फॉर्मूला लिख दो, स्टेप वन फॉर्मूला लिख दो, स्टेप टू डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, ठीक है? मास की जगह मास आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट को ऐसे रहने तो उसका नहीं पता। बताओ हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एम एल टू टी माइनस टू। वेरी गुड, हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है एनर्जी के बराबर, और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है वर्क के बराबर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है एम एल टू टी माइनस टू। वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। एम एल टू टी माइनस टू, राइट? और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आएगा? एम आएगा। स्पेसिफिक हीट का नहीं पता तो ऐसे रहने दो, और टेम्परेचर की जगह क्या यूज करेंगे, हमने क्या प्रॉमिस किया था? के फॉर केल्विन, है ना? एम से एम काट दे रहा हूँ बच्चों, एम से एम काट दिया, तो स्पेसिफिक हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला आया एम जीरो एल टू टी माइनस थ्री, एम जीरो एल टू टी माइनस टू के माइनस वन, ठीक है भाई? अरे के उधर जाएगा ना तो माइनस वन हो जाएगा, बाकी सब तो है ही है। क्या बोलते हैं, समझ आया? यस सर। अर्पित ठीक है ना? Yes, टी माइनस थ्री बोल रहा था ना, तो इसलिए मैं तेरा नाम लेके बोल रहा हूँ, तो मुझे लगता है तुम लोगों को समझ आया, ठीक है? अब मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, तुम लोगों को मजा आ जाएगा सुन के। मतलब अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट है मैगी के ठंडे होने की बात। मान लेते हैं श्रुति ने मैगी बना के रखी, मैगी बन गई है भैया गर्म एकदम, धुआं निकल रहा है, ठीक है? श्रुति ने ये मैगी बना के रखी थी, है ना, और बहुत गर्म थी मैगी, और सराउंडिंग का टेम्परेचर था टी नॉट। मैगी का टेम्परेचर मान लो टी है ना, ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है। टी नॉट क्या है? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, और टी क्या है?
टेम्परेचर ऑफ फूड. तो बताओ अगर फूड का टेम्परेचर ज्यादा है और बाहर एकदम ठंड का समय है मान लो, तो मैगी जल्दी ठंडी होगी कि नहीं? बोलो मैगी ठंडी होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. क्यों होगी? क्योंकि मैगी हीट रेडिएट कर रही है. क्या कर रही है मैगी हीट को? क्या कर रही है? रेडिएट कर रही है. अब बच्चों ये मत बोलना कि तुम लोग हीट रेडिएशन नहीं जानते. अगर तुम लोग एक बल्ब भी लगा दो, जैसे एक 200 वॉट का बल्ब लगा दो और इसके पास खड़े हो, तो भैया तुम्हें गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी? Yes, sir. क्यों लगेगी गर्मी ये बताओ बच्चों. बल्ब चालू लाइट की रेडिएशन के कारण. हाँ लाइट रेडिएशन या हीट रेडिएशन कह दो. तो बात ये है बच्चों कि किसी भी गर्म चीज के पास हम जाते हैं तो हमें गर्मी क्यों लगती है? हीटर, हीटर में ऐसे कॉइल रहती है, कॉइल में करंट फ्लो होता है और उसके कारण हमें गर्मी लगती है. क्यों? क्योंकि ये हीटर क्या कर रहा है? हीट रेडिएट कर रहा है. क्या हीट रेडिएट कर रहा है? हीट रेडिएट. ठीक है, तो अब कोई गर्म ऑब्जेक्ट कितनी हीट रेडिएट करेगा हम इसके बारे में चर्चा करेंगे. तैयार हो? तैयार हो? यस सर. ओके, बहुत ध्यान से देखना. हाँ, हाउ मच हीट अ हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट्स, इसकी बात हम करते हैं. ठीक है, तुम लोग समझ ही जाओ. कोई ऑब्जेक्ट जितना गर्म है उतनी हीट रेडिएट करेगा, राइट? कोई ऑब्जेक्ट जितना गर्म है उतनी हीट रेडिएट करेगा, सही बोल रहा हूं ना? बहुत गर्म ऑब्जेक्ट है तो बहुत ज्यादा हीट रेडिएट करेगा और ठंडा ऑब्जेक्ट है तो कम हीट रेडिएट करेगा. ये हमें किस साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया? ये हमें बताया स्टीफन नाम के, स्टीफन्स लॉ. स्टीफन नाम के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और ये पता करा कि कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट कितना हीट रेडिएट करता है. उसने ये पता करा हीट रेडिएटेड बाय हॉट बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी पावर 4. ठीक है, टी क्या है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी. तो हीट रेडिएटेड by a body is proportional to temperature of body power 4. temperature of what? temperature of what? body. याद रखोगे बच्चों? याद रखोगे? हेलो. यस सर. बच्चों जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड किया करो प्लीज. हाँ, अब तुम लोग बोलो कि सर आपने टेम्परेचर बस बॉडी का बस लिया और अभी तो हमें सराउंडिंग का टेम्परेचर भी बड़ा समझा रहे थे. तो बेटा मैंने तब बात करी जैसे सन, सन के आसपास है कुछ है या वैक्यूम है? बोलो. वैक्यूम. वैक्यूम मतलब नो सराउंडिंग, है ना? जब कोई सराउंडिंग नहीं होता तो ये कितनी हीट रेडिएट कर रहा है कैसे पता चलेगा? तो जो इसकी हीट रेडिएटेड है ना, टेम्परेचर ऑफ सन मान लो टी है, हीट रेडिएटेड बाय सन किसके प्रोपोर्शनल होगी? इस प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ सन दैट इज टी पावर 4. सॉरी, ये किसने किया एक्सपेरिमेंट? स्टीफन ने किया. फिर बोल्ट्जमैन ने बोला ये तो तुम्हारे कोई काम का नहीं है क्योंकि हमें सारे एक्सपेरिमेंट करने अर्थ पे और अर्थ में सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है क्योंकि अर्थ के पास अपना एटमोसफेयर है. ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. ठीक है, तो स्टीफन ने बोला ठीक है बोल्ट्जमैन, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं. तो अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर टी है और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है तो वो बॉडी कितनी हीट रेडिएट करेगी? हीट रेडिएटेड बाय हॉट बॉडी हो गया फिर तब से, इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग. याद रखोगे ये क्या है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी बस आने वाला है, बस जो हमें सीखना है टेम्परेचर ऑफ बॉडी और ये आ गया टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग.
चलो अपन इसकी बात करते, देख ले हमें क्या, अब हम आगे आने वाले हैं इस पे एक्चुअली। कहाँ गया कहाँ गया, स्टीफन्स कांस्टेंट, हम इस पे आने वाले हैं, ठीक है? याद रखना हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। चलो आ जाते हैं वापस। तो हीट रेडिएटेड बाय अ हॉट बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पावर 4। अब तुम लोग को मैं वो बात बताने जा रहा हूं जो तुम लोग को सीखनी है। हम एग्जाम्पल लेते हैं सन का, ठीक है? हीट रेडिएटेड बाय सन, हीट रेडिएटेड बाय सन इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर पावर 4 ऑफ सन। बच्चों ये और किसके प्रोपोर्शनल होगी? हीट रेडिएटेड बाय सन इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ सन। समझ में आया? चलो तो हीट रेडिएटेड एक्चुअली ये पर सेकेंड है, हीट रेडिएटेड पर सेकेंड, ठीक है? तो इसको मैं क्या लिखूंगा बताओ, पर सेकेंड लिख लिया, मैं इसको एक साथ लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? हीट रेडिएटेड पर सेकेंड बाय सन इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर पावर 4 ऑफ सन इनटू एरिया ऑफ सन। एग्री हो कि नहीं हो, बोलो हाँ या ना? एग्री हो? ठीक है। अब जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन आएगा वो क्या कहलाएगा? अब जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन आएगा वो क्या कहलाएगा? स्टीफन्स कांस्टेंट। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। सो हीट रेडिएटेड, हीट अपॉन टी क्यों लिख रहा हूं मैं, अपॉन टाइम क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज हीट रेडिएटेड हाँ पर सेकेंड इज इक्वल टू सिग्मा आ जाएगा टी पावर 4 इंटू एरिया ऑफ सन, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, मुझे सिग्मा का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो बताओ कैसे लिखें सिग्मा का डायमेंशनल? हीट का क्या आ जाएगा? एम एल टू टी माइनस टू, टाइम का आ जाएगा टी, सिग्मा का नहीं पता, टेम्परेचर में के की पावर 4 और एरिया में एल स्क्वायर आ जाएगा। बोलो हाँ, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो सिग्मा का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया एम एल जीरो टी माइनस थ्री के माइनस 4। याद रखना यहाँ पे के क्या दिखाता है? केल्विन, मतलब टेम्परेचर। याद रखोगे ये स्कूल में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये बच्चों? स्टीफन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना। हालांकि देखो बहुत कठिन सवाल है मुझे, बट फिर भी आता है स्कूल में, तो आता है, कराना तो पड़ेगा ही बच्चों, है ना? चलो दैट्स इट फॉर द डे, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, राइट? अब